महुआपुर गांव में निरूपा अपने माता पिता के साथ रहती थी। निरूपा के माता पिता का बेमेल विवाह हुआ था। निरूपा की माँ जहाँ 12वीं क्लास तक पास थी, वहीं उसके पिता गौरी शंकर बिल्कुल अंगूठा छाप थे। कहाँ चली माँ बेटी तैयार होकर? हमारी बेटी ने 12वीं क्लास पास कर लिया है, अब मैं इसे नर्स के कोर्स में एडमिशन दिलाने कॉलेज ले जा रही हूँ। तेरा दिमाग ठिकाने पर है नहीं क्या? मेरे मना करने के बावजूद तूने इसे स्कूल की पढ़ाई करवा दी, अब कॉलेज में दाखिला कराने जा रही है। तुझे पता भी है कॉलेजों में क्या होता है, लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डाले घूमते हैं। ज्यादा इसे पढ़ाएगी लिखाएगी फिर इसके लिए पढ़ा लिखा लड़का कौन ढूंढेगा? पढ़े लिखे लड़के शादी में लाखों रुपए मांगते हैं। आपको जो बकना है बकते रहिए, मैं अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगी। आज लड़कियों का अपने पैरों पर खड़ा होना उतना ही जरूरी है जितना लड़कों का, मैं जानती हूँ। निरूपा एक न एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करके दिखाएगी। निरूपा की माँ निरूपा को नर्स के कोर्स में एडमिशन दिला देती है। फिर एक दिन निरूपा का बर्थडे आता है। मुझे अपने बर्थडे पर एक नया जीन्स और टॉप चाहिए। चल मैं तुझे बाजार से जीन्स टॉप दिलवा कर लाती हूँ। अरे तुझे शर्म नहीं है क्या? गांव की कोई लड़की जीन्स टॉप नहीं पहनती और तू इसे जीन्स टॉप दिलवाने ले जा रही है? मेरी बेटी जो चाहेगी पहनेगी, मैं गांव वालों के हिसाब से नहीं चलूंगी। निरूपा अपनी माँ के साथ जब रिक्शे पर बैठकर घर जा रही थी तो रिक्शे का एक पहिया अचानक गड्ढे में चला गया। रिक्शा एक तरफ झुका और निरूपा की माँ रिक्शे से गिरकर एक ट्रक के नीचे आ गई। माँ! निरूपा की माँ की मृत्यु होते ही निरूपा के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। निरूपा के पिता ने उसके कॉलेज जाने पर रोक लगा दी। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। 7 बीघा जमीन है लड़के की बाप की, ऐसा बढ़िया घर दोबारा नहीं मिलेगा। पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी। अरे तू करेगी, मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं करेगी। गौरी शंकर निरूपा की जबरदस्ती शादी कर देता है। 2 साल बीत जाते हैं। निरूपा अपनी ससुराल में चूल्हे चौके में पिसती रहती है। एक दिन रात के 2 बजे निरूपा के ससुर को दिल का दौरा पड़ता है। गांव के ज्यादातर आदमी किसान आंदोलन में दिल्ली गए हुए थे। निरूपा अपने ससुर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गांव भर में सवारी ढूंढती है। उसे एक बस खड़ी हुई दिखाई दी, लेकिन बस चलाने वाला कोई नहीं था। लगता है बस मुझे ही चलानी पड़ेगी। निरूपा अपने ससुर को फटाफट बस के अंदर डालती है और बस स्टार्ट करके किसी तरह बस चलाते हुए अपने ससुर को हॉस्पिटल तक पहुंचा देती है। अगले दिन निरूपा का पति हॉस्पिटल पहुंचता है। अच्छा हुआ आपकी पत्नी उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आई, वरना उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। निरूपा के पति को ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि निरूपा अकेले ही पिताजी को बस से अस्पताल ले आई। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं एक बस खरीद कर उसे एम्बुलेंस बनाऊंगी। नर्स का काम तो मैं थोड़ा बहुत जानती ही हूँ। निरूपा एक पुरानी बस खरीद लेती है और उसकी रिपेयर करके उसमें एक स्ट्रेचर, ऑक्सीजन और बाकी जरूरी चीजें जुटाकर बस को एम्बुलेंस का रूप दे देती है। मैंने ये पर्चे छपवाए हैं, इन्हें गांव के हर घर तक पहुँचा दीजिए। जब भी किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो वो मुझे फोन कर सकता है। निरूपा शुरुआत के कुछ महीने एम्बुलेंस की निशुल्क सेवा देती है, फिर वो कुछ पैसे भी चार्ज करने लगती है। गांव के सभी लोग निरूपा को एम्बुलेंस वाली बहू के नाम से जानने लगते हैं। अब जब भी गांव में रात बेरात किसी की तबीयत बिगड़ती तो निरूपा एम्बुलेंस लेकर हाजिर हो जाती। निरूपा के घर के पड़ोस में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी। लक्ष्मी का पति शराबी और जुआरी था। वो अक्सर रात में लक्ष्मी के साथ मारपीट किया करता। एक रात
वो लक्ष्मी के पेट में चाकू भोंक कर भाग गया। लक्ष्मी की सास निरूपा को एम्बुलेंस के लिए बुलाने आई। निरूपा दौड़ते हुए लक्ष्मी के घर पहुंची और उसे उठाकर एम्बुलेंस में रखा। लक्ष्मी का खून ज्यादा बह जाने के कारण उसकी सांसें रुकने ही वाली थी। निरूपा तुरंत अपने पति को ड्राइविंग सीट पर बैठाती है और खुद लक्ष्मी को खून देती है। निरूपा की बहादुरी और फुर्ती से लक्ष्मी की जान बच जाती है। निरूपा के एरिया के विधायक निरूपा का नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए भी रिकमेंड करते हैं। निरूपा को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाता है। निरूपा अवार्ड लेकर अपने गांव पहुंचती है तो गांव के लोग बहुत खुशी से उसका स्वागत करते हैं। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया। कोई बात नहीं पिताजी, देर से ही सही, आप में थोड़ी बुद्धि तो आई। आज माँ हमारे बीच होती तो बहुत खुश होती। बेटा, मैंने घर मकान सब बेचकर तेरे लिए 10 लाख का इंतजाम किया है ताकि तू अपना एक हॉस्पिटल खोल सके। इन पैसों को लेने से इनकार मत करना बेटी। इन पैसों को तुझे देकर मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। निरूपा अपने पिता द्वारा दिए गए पैसों से गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलती है और उसका नाम अपनी माँ के नाम पर रखती है। तभी तो कहते हैं, जो अपने सपनों को जिंदा रखते हैं उनके सपने कभी न कभी जरूर पूरे होते हैं। 8 साल की मेघना अपनी मम्मी पापा के साथ कानपुर में रहती थी। मेघना के पापा स्कूल में साइंस के टीचर थे। हर संडे को मेघना के पापा मेघना को पढ़ाते हैं। बेटा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताओ। प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रक्रिया होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 150 मिलियन किलोमीटर। शाबाश बेटा, तुम जरूर एक दिन विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करके दिखाओगी। मेघना अक्सर अपने पापा के साथ रात में छत पर आ जाती और तारों से भरे अंतरिक्ष को देखकर तरह तरह के सवाल पूछती रहती। पापा, मैं अक्सर 2 चलते हुए तारों को एक दूसरे की ओर आता हुआ देखती हूँ, लेकिन वो एक दूसरे से कभी टकराते क्यों नहीं है? बेटा, वे एक ही लाइन में नहीं चल रहे होते। कोई ऊपर होता है और कोई नीचे, लेकिन दूर से देखने पर दोनों एक ही लाइन में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक दिन मेघना के पापा जब ड्यूटी से लौट कर आते हैं तो बहुत उदास होते हैं। क्या हुआ, आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? मेरी नौकरी छूट गई है। स्कूल वालों ने स्टाफ की छटनी कर दी है। कल से मैं शहर के बाकी स्कूलों में नौकरी की तलाश करूंगा। अगले दिन मेघना के पापा शहर के सभी स्कूलों में जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी स्कूल में खाली जगह नहीं होती। मेघना के पापा घर लौट कर कहते हैं, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल पाई, हमें ये किराए का मकान खाली करना होगा। पापा, फिर हम रहेंगे कहाँ पर? बेटा, शहर में तो अब गुजारा मुश्किल है, हमें गांव चलना होगा। अब मैं गांव में ही खेती किसानी करूंगा और YouTube पर बच्चों को पढ़ाऊंगा। मेघना का परिवार गांव में लौट जाता है। मेघना के पापा मेघना का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देते हैं और रोजाना शाम को उसे खुद पढ़ाते हैं। कुछ साल बाद मेघना बड़ी हो जाती है और दिमाग इतना तेज हो जाता है कि वो 12th क्लास ग्रेजुएट के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेती है। एक दिन स्कूल में साइंस मॉडल कॉम्पिटिशन होता है। मेघना एक रॉकेट का मॉडल बनाती है। कॉम्पिटिशन में मेघना को फर्स्ट प्राइज मिलता है। तभी गांव में कोरोना नाम का एक वायरस फैल जाता है, जिसकी चपेट में मेघना के पापा और मम्मी भी आ जाते हैं। मेघना के पापा की मृत्यु हो जाती है और माँ बीमार पड़ जाती है। अब मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। अब तुम्हारे पिताजी तो है नहीं, अगर मैं भी मर गई तो कौन तुम्हारी शादी ब्याह की जिम्मेदारी संभालेगा? मेघना की माँ मेघना की शादी गांव के ही एक लड़के से कर देती है। एक दिन मेघना अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मेरा 12th क्लास कंप्लीट हो चुका है,
अब मैं शहर जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। लेकिन शहर तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं वहीं पर एक कमरा किराए पर ले लूँगी। मैं हर संडे को यहाँ पर आ जाया करूँगी। मेघना का पति समझ जाता है कि मेघना बहुत जिद्दी है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके ही मानेगी। मेघना शहर में एक रूम ले लेती है और कॉलेज में पढ़ने लगती है। एक दिन मेघना जब अपने घर पर आती है तो अपने पति को बताती है, हम लोग कॉलेज में सूरज पर जाने वाले रॉकेट के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट अच्छी तरह बन गया तो हमें इसरो में काम करने का मौका मिलेगा। अरे ये इसरो किस चिड़िया का नाम है? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वही भारत में सब रॉकेट वगैरह छोड़ता है और स्पेस की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। एक दिन जब मेघना कॉलेज के लैब में रॉकेट के प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है तो गलती से लैब में आग लग जाती है। कॉलेज वाले मेघना को निकाल देते हैं। मेघना घर पर रोते हुए आती है और अपने पति से कहती है, मेरी गलती से लैब में आग लग गई, कॉलेज वालों ने मुझे निकाल दिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं? तुम अपना प्रोजेक्ट यहाँ घर पर ही बनाओ, जो भी जरूरत का सामान होगा वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। मेघना अपने पति की सहायता से लगातार 6 महीने तक सूर्य पर जाने वाले रॉकेट के प्रोजेक्ट पर काम करती रहती है। एक दिन मेघना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती है और सीधे इसरो के ऑफिस में चली जाती है। इसरो के वैज्ञानिकों को मेघना का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है और वो मेघना को इसरो में जॉब का ऑफर भी दे देते हैं। मेघना के प्रोजेक्ट के आधार पर एक असली रॉकेट तैयार किया जाता है। मेघना का शहर के सभी अखबारों में नाम छपता है और मेघना रॉकेट रानी के नाम से फेमस हो जाती है।